Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काजमी और मैं हूं सबाश। आज जुमेरात है जनाब, 21 सितंबर, और आज के शो में जिन स्टोरीज पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले तो एक अहम तरीन जो आज दौरा है उसके बारे में बात करेंगे, जिस पर आजकल सबकी नजरें जमी हुई हैं और जिससे तवक्को की जा रही है कि ना सिर्फ दुनिया को पाकिस्तान का मौकिफ पता चलेगा बल्कि ये बात भी वाजह हो जाएगी कि पाकिस्तान स्ट्रेंथ के एतबार से इस वक्त कहाँ खड़ा है। वो है वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का दौरा अमरीका। इस हवाले से कुछ अहम मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं और कुछ शेड्यूल में है, लेकिन सबसे अहम खिताब आज जनरल असेंबली में होने वाला है जिससे शाहिद खाकान अब्बासी पहली बार खिताब करेंगे, जिसमें हंगिया और कश्मीर के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के साथ साथ ट्रंप की पाक अफगान पॉलिसी पर अपने स्टैंड से भी आगाह करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, एक अहम दौरा है, इंतहाई अहम दौरा है। दूसरी तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन चंद ममालिक के अलावा किसी ने भी इन कुर्बानियों का खुले दिल से एतराफ ही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की मुआवनत का इल्जाम लगाते रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों की मौजूदगी की हर्जा सराई भी की जाती रही है। बिल्कुल जनाब, हद तो यह है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में बलोचिस्तान की मुहिम शुरू कर दी गई और ये मुहिम भी उन तंजीमों ने शुरू की है जिन पर पाकिस्तान ऑलरेडी पाबंदी आयद कर चुका है। दुनिया को अब एक गलत परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है, जिस पर वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच ने भी एक बड़ा ही जबरदस्त बयान दिया है और पाकिस्तान भर से भी इस वक्त शदीद रद्देअमल आ रहा है, जिसके बारे में हम आगे चलकर आपको अपने शो में बताएंगे। और साथ साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान में एड्स का तेजी से फैलता हुआ मर्ज और इस पर डॉक्टर्स की लापरवाही और जिसकी हालिया मिसाल पंजाब का शहर चनियट है। पाकिस्तान में सेहत के मामला इतने खराब क्यों है, इस पर भी नजर डालेंगे, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ आपको तमाम टॉप स्टोरी से आगाह करेंगे, साथ साथ आपको तमाम अहम खबरें भी देते जाएंगे और आपसे शेयर करेंगे आज की तमाम ताजा तरीन खबरें भी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरीज पर। शहर जिनेवा में कराए के लोगों से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा, फ्री बलोचिस्तान मुहिम के पीछे मुलविस शाह पसंद नासिर के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा, स्विस हुकूमत की खामोशी सवालिया निशान बन गई। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, आज अमरीकी सदर और मलाला यूसुफजई से भी मिले। ट्रंप ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार के बारे में मुस्बत रवैये का इजहार किया। पाकिस्तान में तेजी से फैलता एड्स खतरा बनने लगा, 1,30,000 के करीब अफराद इस मूजी मर्ज का शिकार हो गए, सैकड़ों मरीजों में HIV वायरस की तस्दीक। और क्वेटा में पोलो फॉर पीस के नाम से बलूचिस्तान पोलो टूर्नामेंट का आगाज, 24 सितंबर तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में मुल्क भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज के अखबारात की हेडलाइंस पर। जी जनाब, तो आज जंग में जो खबर है वो खबर है बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कि उन्होंने साहिवाल में जो खिताब किया है उस हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगी है। उन्होंने कहा कि नवाज झूठे, इमरान धोखेबाज, उंगली पर नाचते हैं, लाहौर इलेक्शन में कलदम तंजीमों ने हिस्सा लिया। तो जनाब हम देख रहे हैं कि जैसे कि इमरान खान साहब ने हैदराबाद में भी खिताब किया है, इमरान खान साहब ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है पीपल्स पार्टी के ऊपर, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है आसिफ अली जरदारी के हवाले से कि जी उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो तो टिकट फरोख करते थे, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का शदीद रद्देअमल आया, कड़ा रद्देअमल आया, जिस पर पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं ने भी यही कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो ज़ातियात पर उतर आए हैं और अगर वो ज़ातियात पर उतरेंगे तो फिर उनके हवाले से भी इस तरीके से बात की जाएगी और उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। ओवरऑल अगर कैंपेनिंग के बाद ये सारा सिलसिला देखें, एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज़्यादा इन एक्शन नजर आए, बहुत ज़्यादा साहिवाल में गर्जे बरसे, और साथ साथ उन्होंने कहा कि 2018 में जो इलेक्शन होगा उनका पहला और बाकियों का आखिरी इलेक्शन होगा, तो ये तो हो गई कैंपेनिंग के हवाले से बात। लेकिन अगर थोड़ा सा
पीटीआई की सियासत के ऊपर गौर किया जाए, थोड़ा सा पीटीआई के ऊपर बात की जाए, तो जब आपके ऊपर प्रोफेशनली आप चीजों को टारगेट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लोगों को जातियात पे उनकी निशाना बनाते हैं, जिसके लिए इमरान खान साहब को काफी ज्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी के इस जलसे को, जलसे की खबर को मेन लीड का हिस्सा बनाया है जंग ने। जनाब यही खबर जो है वो आज एक्सप्रेस की मेन खबर तो नहीं है, लेकिन हाँ फ्रंट पेज में जरूर इसको जगह दी गई है। और आज एक अहम बयान साथ साथ एक अहम इल्जाम भी जो है वो नून लीगियों पर लगाया गया है, और उनका कहना है कि पंजाब के शेरों के कलदम तंजीमों से रवाबत है। एक बहुत ही बड़ा इल्जाम, कल साहिबाल में बिलावल भुट्टो जब खिताब कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ये बयान भी दिया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ये दोनों जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख है, नवाज और इमरान के चेहरे अलग है लेकिन सियासत एक ही है। साथ साथ उन्होंने अपनी जो हुकूमत है अपनी उस हवाले से जो है वो ये बात मेंशन की है, बताया है, ये बात वाजी की है कि हमारी हुकूमत के साथ हमेशा से ही नाइंसाफी की गई है, चाहे वो फांसी की शक्ल में हो चाहे वो कत्ल की शक्ल में हो। और एक और बात जो उनकी बहुत अहम और मजेदार मुझे लगी, और उनका ये कहना था कि ये मेरा पहला इलेक्शन होगा लेकिन नवाज का और इमरान का जो है ये आखिरी इलेक्शन होने वाला है। अभी जो तमाम तो सूरत हाल हमारे सामने ज़िमनी इंतखाब में और पीपल्स पार्टी की जो भी इस वक्त पोजीशन थी वो वाज़े होने के बाद इस तरह का बयान आना बड़े ही ताज्जुब की बात है कि आप अभी भी इतनी उम्मीद रखते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो आपका होने वाला है 2018 का। तो ये बयान जो है वो बिलावल भुट्टो का आज मेन यहाँ पर लगाया गया है। ठीक, उसके अलावा जनाब एक्सप्रेस की अगर मेन हेडलाइन की बात करें हम तो वो है कि साथदार को वारंट नैब का घर पर छापा और असासे उनके मुंजबित कर दिए गए। जैसे ही हमने देखा कि नैब का सूरज तुलू हुआ तो सबसे पहले जो डूबे हैं वो डार साहब डूब गए, और इस सूरज के तुलू होते ही उनकी उनके ऊपर जो है वो काफी सख्ती आ चुकी है, अंधेरे छा चुके हैं क्योंकि उनके असासे भी मुंजबित कर लिए गए। और कहा जा रहा है कि इन तमाम सूरत हालों में अगर इस चीज को फॉलो ना किया गया प्रॉपरली तो उनके असासों ही के जितना उन पर जुर्माना भी किया जाएगा और उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो ये अहम खबर जो है वो आज एक्सप्रेस ने अपनी मेन। ठीक है जी, इसाक डार साहब के हवाले से आपने जो खबर दी बिल्कुल ठीक है, और कल यही खबर जो है वो रिमर आउट करती रही। यही कहा गया कि जो साहब अदालत के जितने भी लोग थे उनके घर गए, उनके नौकरों को उन्होंने वारंट दे दिए। अब देखना यह है कि शरीफ फैमिली या इसाक डार साहब ये हुदैबिया पेपर मिल्स का जो मामला है इसे कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। अगर नहीं पेश होते हैं तो गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए जाएंगे, और अगर गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए जाते हैं तो फिर किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी या फिर मजीद क्या सिलसिला बनेगा। अच्छा, अगर आगे बढ़े और मजीद खबरों के ऊपर हम नजर डालें तो एक अच्छी और पॉजिटिव खबर भी मेरे पास है, और वो है मीरान शाह के हवाले से। मीरान शाह में जो है एक मैच होने जा रहा है जहां पे हमारी वर्ल्ड 11 चली गई है, वहीं पर अब मीडिया 11 भी आ गई है और वो पाकिस्तान 11 के साथ में मैच खेलेगी। और आज ये मीरान शाह में वजीरिस्तान में ये मैच कराया जाएगा, और इस मैच की खास बात यह है कि आर्मी चीफ की खास हिदायत पर यह मीरान शाह में मैच कराया जा रहा है, क्योंकि फाटा के बहादुर अवाम से, फाटा के बहादुर शहरियों से आर्मी चीफ ने वादा किया था। और इस मैच में आज कौन कौन से स्टार्स जो है वो खेल रहे हैं उसमें शाहिद आफरीदी हैं, यूनुस खान हैं और इंजमामुल हक हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं जो कि आज इन एक्शन नजर आएंगे। और एक पीसफुल सा माहौल बनने जा रहा है जहां पर लोग टारगेट करते हैं फाटा को, वजीरिस्तान को, तो वहां पर एक अमन मैच भी आज होने जा रहा है और इंतहाई अहमियत हासिल है इस मैच को। और बहुत सारे जितने भी पाकिस्तानी हैं वो बड़े खुश हैं कि लाहौर के बाद अब वजीरिस्तान में भी आज खेल का मैदान जमेगा। बिल्कुल जनाब, एक जबरदस्त सी खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। डेफिनेटली यूके मीडिया जो है 11 उसको कहा जा रहा है, जो टीम आज पाकिस्तान पहुंच चुकी है और आज ये मैच होने जा रहा है मीरान शाह में, तो डेफिनेटली एक जबरदस्त सा मैसेज भी जो है लोगों को जाएगा कि सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि ऐसे इलाकों में जिनको कहा जाता है कि जी वहां पर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी होती रही है, वहां पर भी एक अमन का पैगाम जो है वो दुनिया भर को जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाहिद आफरीदी बड़े अरसे के बाद लोगों को इन एक्शन नजर आएंगे, तो जो लोग उनके फैंस हैं डेफिनेटली उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। और साथ ही साथ क्रिकेट के शायकीन को भी इस तरह के मौके मिल रहे हैं कि बाहर से ममालिक से टीम्स जो है वो आ रही है। तो एक तो ये खबर आज की आज बड़ी मजेदार है, उसके अलावा एक और आज की इंटरेस्टिंग खबर जो आपके साथ हम शेयर करेंगे और मे भी ये लास्ट हमारी खबर है वो ये कि आज 21 सितंबर है और आज दिन और रात का दौरानिया बिल्कुल बराबर होगा। और कहा यह जा रहा है कि 24 सितंबर के बाद से मौसम में सर्मा शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद से रातें जो है वो हमारी लंबी और दिन छोटे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक खबर थी आपके साथ। अच्छा, आपने दिन और रात के बारे में बात की तो मुझे भी अचानक से एक खबर याद आ गई कि कुलसुम नवाज जो है वो अपनी तीसरी सर्जरी की जानिब जा रही है। और दिन रात की बात से जो है वो आपको बताऊँ की आज रुवत हिलाल कमेटी का इजलास बैठेगा और फिर ये देखा जाएगा की आज मुहर्रम का चांद जो है वो नजर आएगा या नहीं आएगा, तो इसका फैसला मुफ्ती मुनीबुर रहमान करेंगे। लेट्स सी, अब जब ये कमेटी बैठेगी तो उसके बाद ये चांद देखा जाएगा। अच्छा जनाब, अब बढ़ते हैं इस्लामाबाद की जानेब, इस शहर इक्तदार की जानेब, और वहां पर चलेंगे। हमारे साथ वसीम रजाक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वसीम क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होंगी और कौन कौन से मेगा इवेंट्स मुतवक्के हैं आज।
जी अगर इस्लाम आबाद की बात करें तो इस्लाम आबाद के मौसम की सबसे पहले बात करते हैं। इस्लाम आबाद का मौसम जो है एक खुशगवार दिन होगा, धूप निकली हुई है लेकिन धूप में जो हिद्दत और उसमें जो गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कमी वाकई हो सकी है। आज अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत आज होगी। शेख रशीद अहमद के खिलाफ शकील अवान जो कि मुस्लिम लीग नून के रावलपिंडी से रहनुमा है, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी उनकी नाअहली के लिए और सासे छिपाने के हवाले से। यहाँ पर आज उस केस की समाअत होगी और जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में तीन रुकनी जो बेंच है वो इस केस की समाअत करेगा। आज वर्ल्ड पीस डे भी है और एहसन इकबाल जो वफाकी वजीर दाखिला हैं वो एक सेमिनार में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मिशाल हुसैन मलिक जो है कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा के जो है अहलिया है, उनकी जानिब से प्रेस क्लब के बाहर वर्ल्ड पीस डे के हवाले से ही एक प्रोटेस्ट वहाँ पर किया जाएगा। एनए सेशन होगा 10 बजे, 3 बजे सेनेट सेशन होगा और इसके अलावा वर्ल्ड पीस डे के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स का इनका यहाँ पर आज इस्लाम आबाद में किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। और पीस डे की आपने बताया तो मुझे याद आ गया कि पोलो फॉर पीस के हवाले से भी जो है चैंपियनशिप वो शुरू होने जा रही है और साथ ही साथ आपको ये भी हमने खबर दी है कि अब पाकिस्तान में जो है वो जो एक नई टीम आई है यूके मीडिया 11 वो भी आज खेलने जा रही है मैच पाकिस्तान के साथ। तो पीस के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें जो है वो हमारे सामने आ रही है। लाहौर का रुख करेंगे और वहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा हुमाबत, उनसे जानते हैं कि आज लाहौर में क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही है। हुमा वैसे कराची में आज मौसम बड़ा खुशगवार लग रहा है, लाहौर के मौसम से भी आगाह कीजिए। जी लाहौर का मौसम तो वैसा ही है, हब्स बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, धूप जो है वो बिल्कुल मेरे बिल्कुल सामने। मैं हर दफ़ा यही बोलती हूँ कि धूप जो है और सूरज जो है वो मेरे बिल्कुल सामने है, जिसकी वजह से मेरी आंखें खुलती बहुत मुश्किल से हैं लेकिन फिर भी खड़े हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और कहा तो ये जा रहा था महकमे मौसमियात की तरफ से अभी चंद रोज़ में बाद में बारिश का इम्कान है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने बारिश नहीं देखी है। पर रोज़ हम लोग बादल ज़रूर देखते हैं, दोपहर के बाद बादल नज़र आते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। इस वजह से हम लोगों को स्पेशली लाहौरियों को वो तरसाने लगे हुए हैं। अगर हम लोग इवेंट्स का जिक्र करें तो इवेंट्स में जिस तरह इस्लामाबाद में बताया जा रहा था अमन का आलमी दिन है, तो इसी तरह लाहौर में भी उसको बड़ी भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। लाहौर में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से एक अमन के हवाले से रैली निकाली जाएगी, तमाम स्टूडेंट्स वहाँ पर रैली निकालेंगे। इसी तरह बहुत से सेमिनार्स भी मुनक्द किए जाएंगे और बहुत सी कॉन्फ्रेंसेज भी होंगी जिसमें अमन के हवाले से हमें बहुत सी तकारीर और स्पीचेस जो हैं वो सुनने में मिलेंगी। इसके अलावा अगर जिक्र करें हम लोग मेन इवेंट्स में तो पंजाब असम्बली का सेशन है। कल हम लोगों ने देखा कि राणा सनाउल्ला और महमूद रशीद जो है उनकी खट्टी मीठी गुफ्तगू जो है वो जारी रही थी। हाजी सनाउल्ला कहा गया महमूद रशीद को, महमूद रशीद ने हाजी सनाउल्ला कहा राणा सनाउल्ला को, और इसी के ऊपर जो बदला लिया वो फिर हुक्मरान जमात ने ले लिया बदला उनका। तो इसी तरह की जो गुफ्तगू है आज भी जारी रहेगी और अमने अमां से मुतल्लिक जो सेशन में जो करारदाद पेश की जा रही थी, कल 5 जो है करारदादें पेश की गई और इसके साथ साथ जो बिल थे वो पास किए गए हैं। तो इसी तरह आज भी अमने अमां से मुतल्लिक बहस और मुबाहसा जो है वो जारी रहेगा, सवालात और जवाबात। ठीक है, हम आप अपडेट कर रही हैं लाहौर से और लाहौर में बड़ी एक्टिविटीज होने जा रही हैं। आज वर्ल्ड पीस डे मनाया जा रहा है तो आई होप तमाम लोग जहां जहां हैं वो बड़ा पीसफुली रहें और इसको इम्प्लीमेंटेशन करें। आगे भी आगे चलते हैं और कराची में स्कूल फीसों के हवाले से आपको बताते हैं, जिसमें 40% इजाफे के खिलाफ वालदैन पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे वकास खान। जी वकास खान, वालदैन के इस पुरअमन एहतजाज के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में एक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो वालदैन हैं उनका ये कहना है कि फीसों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। 40% तक यहाँ पर फीसों में इजाफा किया गया है, मुख्तलिफ मद में IT और जो लैब है उसकी मद में फ़ीसों को बढ़ा दिया गया है और कोई सुनने वाला नहीं है। 40% तक पहले जो तकरीबन फ़ीस 3500 करीब हुआ करती थी वो तकरीबन अब 5000 रुपये तक हो चुकी है है और कोई सुनने वाला नहीं। स्कूल इंतजामिया जो है बात करने से कासिर हैं, वो इस हवाले से बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कहीं देखते हैं टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं, कहीं पर वालदैन एहतजाज कर रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि 5% ऑफिशियली आप बढ़ा सकते हैं फीसेस, लेकिन यहाँ पर 40% तक इजाफा किया जा रहा है, जिस पर हमने अपने शो में भी बात की थी लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। इस हवाले से मजीद भी बातचीत करेंगे लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त आपको बताया कि पाकिस्तान 11 और यूके मीडिया 11 के दरमियान क्रिकेट मैच मीरान शाह में कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। यूनिस खान स्टेडियम में होने वाले मैच में यूके मीडिया 11 ने पाकिस्तान 11 के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। तफसीलात बता रहे हैं आसिफ शहजाद मीरान शाह से। जी आसिफ शहजाद, बताएगा कि मैच जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये वजीरिस्तान में ये मैच का इनेकाद किया गया है यूनिस खान स्टेडियम में, जहां पर T20 मैच जो है पाकिस्तान 11 और यूके मीडिया 11 के दरमियान खेला जाएगा। इस वक्त जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है यूनिस खान क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है। यूके 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, अब से कुछ देर बाद जो है ये मैच शुरू हो जाएगा। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो इसमें मौजूद है। इस जो पाकिस्तान 11 है इनमें इंजमाम हक हैं, मुश्ताक अहमद है, रियाज अफरीदी, वजातुल्ला वारसी और जो दीगर जो मायानाज क्रिकेटर हैं वो इसमें मौजूद हैं और इसमें खेलेंगे। जो यूके 11 है उनके साथ खेला जाएगा। शहरियों का कहना है कि इसी तरह की एक्टिविटी जो है फाटा और जो वजीरिस्तान और दीगर इलाकों में हो रही हैं तो ये अमन के लिए बेहतरीन साबित होंगी। शहरी जो हैं जोग दर जोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और जो क्रिकेटर हैं वो भी इस वक्त जो है मैदान में मौजूद हैं। ठीक है आसिफ शहजाद, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि फाटा में ये मैच होने जा रहा है और इंतहाई जबरदस्त किस्म का ये मैच होने वाला है। फाटा के अवाम बहुत ज्यादा खुश हैं। आसिफ शहजाद से एक दफा फिर से जानते हैं। आसिफ शहजाद, ये बताइए कि फाटा के जो अवाम है, जो शहरी है, उनका क्या कहना है इस मैच के हवाले से? जी बिल्कुल, शहरी जो है वो इंतहाई खुश हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो भी बड़ी तादाद में, स्कूलों के बच्चे और जो जो शहरी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इंतहाई खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जो फिजा यहाँ पर कायम थी उसमें ये खुशी का उनको एक मौका मिला है तो वो यहाँ पर जोक दर जोक आ रहे हैं। स्टेडियम जो है खचाखच तमाशाइयों से भरा हुआ है और बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि इस तरह की एक्टिविटी से जहाँ पर अमन जो है वो मजीद। ठीक है आसिफ शहजाद, आप लाइन पर मौजूद रहिए। आप देख सकते हैं आज न्यूज की स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं, ये यूनुस खान स्टेडियम के मनाजिर हैं। कितनी खुशी का इजहार किया जा रहा है फाटा में, वजीरिस्तान में ये मैच कराया गया है, मीडिया 11 वहां पर मौजूद है जबकि पाकिस्तान 11 उनके मद्दे मुकाबल है और जितने भी यहाँ के शहरी हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि शाहिद आफरीदी इसमें है, स्टार बल्लेबाज स्टार प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद है, यूनुस खान यहाँ पर मौजूद होंगे और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अवाम का जोश खरोश कितना ज्यादा दीदनी है। यहाँ पर एक चीज जो है वो हम मेंशन करेंगे और वो ये है कि आर्मी चीफ ने फाटा के अवाम से वादा किया था कि वो मैच यहाँ पर करवाएंगे, तहम उनकी खसूसी हिदायत पर ये मैच मुनक्किद किया गया है और कितनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। ये वो इलाका है वजीरिस्तान, ये वो इलाका है फाटा का जो कि मलूज खातिर ही नहीं लाया जाता था, जहाँ पर हम हमेशा यही सुनते थे कि दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ ये हो रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ढोल की थाप पर वहाँ पे रक्स भी हो रहा है, शायकीन कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं। ये शहरी हैं फाटा के, ये वो फाटा के शहरी हैं जिनको हमेशा जो है वो इग्नोर किया गया, जिनके बारे में हमेशा यही कहा जाता था कि फाटा में हालात अच्छे नहीं है, वजीरिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां पर जाना मुश्किल है, जहां पर दहशतगर्दों की पनागाहें हैं। लेकिन आज इस मैच के थ्रू दुनिया देखेगी कि अम का पैगाम किस तरीके से हम दुनिया भर में फैला रहे हैं। उमर गुल है, मुश्ताक अहमद है, रियाज आफरीदी है, वजातुल्ला वास्ती है, ये सब प्लेयर्स इन एक्शन होंगे और एक दफा फिर से जो लोग इनका ये मैच देखना चाहते हैं वो आज बहुत ज्यादा महसूस होंगे। आज की स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी बैठे हुए हैं और उन्होंने भी ट्वीट की थी इस मैच के हवाले से कि अमन का पैगाम जाने वाला है, एक अमन का मैच होने वाला है। और स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, आज न्यूज की स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं, ये वजीरिस्तान के मनाजिर है, देखकर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। वो वजीरिस्तान जहां से दहशतगर्दी की खबरें आती थी, जहां से धमाकों की खबरें आती थी, जहां जाना मुश्किल था, लेकिन पाक फौज ने वहां पर ऑपरेशन किए, पाक फौज ने वहां पर अपने ऑपरेशन के जरिए अमन कायम किया, पाक फौज ने दुनिया को बताया कि हम अपने शहरों में अमन भी ला सकते हैं, अपने शहरों से दहशतगर्दों की पनागाहों को दूर भी कर सकते हैं और हम अपने शहरियों को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर वो अमन से मैचेस खेल सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं। और इंतहाई खुशी हो रही है आज वजीरिस्तान में ये मैच के मनाजिर देखकर, फाटा में ये मैच के मनाजिर देखकर, बल्कि खुशी भी हो रही है और एक्साइटमेंट भी हो रही है कि पाकिस्तान की टीम ही जीते। तो इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी हम इसी खबरों के हवाले से, अखबारों में तजियो तबसरों के हवाले से कि आज क्या है अखबारों में, हमारे साथ इस वक्त लाहौर से मौजूद है अनवार हाशमी साहब, हमारे लाहौर के सीनियर ब्यूरो चीफ है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनवार साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से कोई कॉलम, कोई आर्टिकल, कोई ऐसी खुशखबरी पाकिस्तान के हवाले से आपके पास है तो जरूर शेयर करें।
देखिए खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन आपके ये सारा जो टॉपिक चल रहा है इसके साथ लिंक करते हैं आज के इदारिये। खासतौर पे अभी आपने जो लाइव दिखाया है कि शुमाली वजीरिस्तान मीरन शाह के करीब जो एक अमन की फिजा नजर आ रही है क्रिकेट मैच के जरिए, ये वो इलाका जिसको आप दहशतगर्दी का दारुल खिलाफा कहते थे, आज वो अमन का दारुल खिलाफा आपको नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के जद में था वो तो अमन का मैसेज प्रैक्टिकली दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो मेरे पास इदारे हैं जिसमें अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में डोनाल्ड ट्रंप का जो खिताब है वो पूरी दुनिया उसको तनकीद का निशाना बना रही है कि बजाय इसके कि जनरल असेंबली से एक अमन का पैगाम जाता, डोनाल्ड ट्रंप जो कि आलमी ताकतों के अपने आप को सरबराह भी कहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात और अमेरिका की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए शुमाली कोरिया ईरान इस्लामी मुमालिक सबको तनकीद की जद में लिया, जिससे एक दुनिया में इश्तियाल पैदा होने का और जंग की तरफ जाने का खदशा पैदा हो गया है। इवन के बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बर्मा के मुसलमानों के लिए बात सुनने को तैयार नज़र नहीं आए। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के जो सदर हैं वो अब इस बात पे तैयार नज़र आते हैं कि पाकिस्तान को इल्ज़ामात देने से अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा, बल्कि वो मज़ाकरात की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हर तरफ जो है हर किसी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं कि जहां भी उनको शक हो वहां ऑपरेशन कर दिया जाए। तो इस चीज़ को वाशिंगटन पोस्ट और अमरीकी अखबार, भारतीय अखबार ने भी इवन जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है। तो मेन इदारे डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पे हैं जो जनरल असेंबली से खिताब में उन्होंने दिया। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है उसमें वाकई कोई चेंज नहीं नजर आया, वही एग्रेशन थी, उसी तरीके का गुस्सा था उनको दुनिया के ऊपर। आई डोंट नो कि उनको क्यों गुस्सा है इतनी पूरी दुनिया के ऊपर, जबकि उनको अपनी पॉलिसीज भी बहुत बेहतर करने की जरूरत है, उनके अपने मुल्क के अंदर भी बहुत ज्यादा उनकी कई पॉलिसीज के हवाले से जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर खिताब को लिया जाए, जनरल असेंबली के खिताब की बात की जाए, तो आज वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बास भी खिताब करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा हम काफी अहम मुलाकातें भी की हैं और शिरकत भी की है वाईसी में, तो आज के खिताब को आप कैसे देख रहे हैं कि आज जो खिताब करेंगे उसमें वाज़े मौकफ बयान कर सकेंगे, कन्विंस कर सकेंगे दुनिया को? देखिए, पाकिस्तान इस असेंबली में जाने से पहले, नुमाइंदगी करने से पहले कुछ पॉलिसी बयान जो है पाकिस्तान की तरफ जारी हुए हैं, जिसमें उन्होंने जाने से पहले यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान पहले ही इस खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर चुका है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया गया। अफगानिस्तान पॉलिसी जब अनाउंस हुई तो बहुत ही अफसोसनाक बयान जो है अमेरिका की तरफ से आया, पाकिस्तान की हौसला शिकनी की गई, जिसको दूसरे ममालिक ने भी तनकीद का निशाना बनाया। तो यकीनन हमारे वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ जाके इस जनूबी एशिया में पाकिस्तान के किरदार को सही वाजे करेंगे, कश्मीर और अफगानिस्तान के जो तनाज़ात हैं उसको उठाएँगे ताकि पाकिस्तान का किरदार वाजे हो। लेकिन इससे पहले ये भी अखबारात ने एक दिया है, इस चीज़ को भी वाजे किया है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के दरमियान लड़ाई है, पार्टियों के दरमियान लड़ाई है, और इस इवन के साबिक वजीर आला और मौजूदा साबिक वजीर दाखला और मौजूदा वजीर दाखला की पॉलिसियों में जो क्लैश है, ये आपके जो आलमी सतह पे आपकी नुमाइंदगी होती है उसको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वजीर आजम तो यकीनन अपना मजबूत केस लेके गए हैं, लेकिन दाखली जो इस्तेकाम है वो इस वक्त बिल्कुल ही एंड पे है, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, ये अखबारात के इदारियों का निचोड़ है। अच्छा अनवार हाशमी साहब, यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हर मरतबा जब भी इस तरह के कोई इजलास होते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए, हमारे जब भी वजीर आजम साहब वहाँ पर जाते हैं तो बड़ी एक ही जैसी स्पीच होती है। इस बार उनका भी पहला खिताब है, ट्रंप का भी पहला खिताब है, हमारे अपने वजीर आजम का भी पहला खिताब है, क्या समझते हैं कुछ मुख्तलिफ दिखने में या सुनने में मिलेगा हमें, या फिर वही बातें होंगी, वही कश्मीर के इश्यूज होंगे जो उठाए जाएंगे और उसके बाद तमाम इश्यूज जो हैं वो हल तलब रहेंगे, लेकिन हल जो है वो उनका कभी भी निकल नहीं पाता, चाहे जितना मर्जी आप उन चीज़ों को हाईलाइट कर लें। दूसरी चीज़ अभी हम देख रहे थे, बल्कि इवन आज हम इस स्टोरी को अपने शो में जिक्र भी करने वाले हैं, आज आगे चल के उस पर बात भी करेंगे, कि स्विट्जरलैंड में ये जो बलूचिस्तान फ्री मुहिम के नाम से इस मुहिम का आगाज किया गया है, क्या समझते हैं इस टाइप के इशूज़ को भी एड्रेस करना ज़रूरी है, क्या उन्हें अपने खिताब के अंदर इस तरह के इशूज़ को भी हाईलाइट करना चाहिए? इंतहाई ज़रूरी है, इस पे रिएक्शन पाकिस्तान ने दिया भी है,
और ये एक ओपन सीक्रेट है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये भोंडी हरकत जो है वो भारत की जो लॉबियां हैं जिनको वो हायर करते हैं और उनको लाखों डॉलर पे करते हैं और वहाँ इस तरह के यूनाइटेड नेशन के सामने या स्विट्जरलैंड जैसे जो गैर जानबदार मुल्क है वहाँ पे इन्होंने पहली दफ़ा, मैं एक पंजाबी में कहूँगा कि भारत ने वहाँ भी ये गंध डाला है कि एक पुरामन जगह, गैर जानबदार जगह पे भी उन्हें बलूचिस्तान जैसे मामलात को जो है वो इस तरह नेगेटिव अंदाज में उजागर करने की कोशिश की है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मैं आखिरी नहीं सॉरी जी बिल्कुल आपको कंटिन्यू करेंगे लेकिन अभी यूनुस खान स्टेडियम आपको लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त अभी कौमी तराना की भी देखने को मिल रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत खूबसूरत सा समा जो है वो इस वक्त यहाँ पर है। हाँ। अनवार हाशमी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, अनवार हाशमी की जानिब भी एक बार फिर बढ़ेंगे। अनवार साहब आखिरी बात आपकी रह गई थी बीच में, कुछ कह रहे थे हवाले से हम बात कर रहे थे, अनवार हाशमी साहब अब बेले के हवाले से बात कर रहे थे जो जेनेवा में जिस तरीके की मुहिम की गई है। मैं बिल्कुल वो मुख्तसर बात करके वाइंड अप करता हूँ कि भारत का चेहरा ऐसे बेनकाब हो गया कि जहाँ वहाँ पे कश्मीरियों और इवन के गैर मुल्की तंजीमों ने तस्वीर के जरिए और बैनर्स के जरिए जब कश्मीर का चेहरा भारत को दिखाया जहाँ पे वो उन मासूम बच्चों, ख्वातीन और जवानों पे जो जुल्म कर रहे थे, तो उसके बाद ये बलूचिस्तान वाले इशू पे उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और वाइंड अप करते हैं, जो आपने ये वजीरिस्तान को दोबारा दिखाया पीसफुल जगह, तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया के 2-3 मकाम ऐसे माजी में शुमार होते थे जिसमें ये पश्तून कल्चर ट्राइबल एरिया का और उसके अलावा बुद्ध मत के कुछ कंट्रीज थे और कुछ पुर्तगाल के ऐसे थे जिन्हें दुनिया के सबसे अच्छा मेज़बान समझा जाता था, जिसमें हमारा ये इलाका भी शामिल था जो आप दिखा रहे हैं। और आप देखें कि एक दफा पाकिस्तानी फोर्सेस की एफर्ट से आपको दोबारा बिल्कुल साहब यही क्रेडिट मैं हमारी फोर्सेस को दे रही थी कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो निभाए भी हैं और पाटा जैसे इलाके के अंदर ये मैच कराना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी काविश है जिसके लिए हम अपनी फोर्सेज को सलाम भी पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जनाब बलबाद वजीरिस्तान के भी जो स्टेडियम है वो सजना शुरू हो चुके हैं और ये सिर्फ वजीरिस्तान के अवाम के, फाटा के अवाम के रंग नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान के रंग हैं जो कि आज दुनिया भर में फैलेंगे और लोगों को ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान एक पुरामन मुल्क है और पाकिस्तान के ऐसे इलाके जिनको दहशतगर्दी का गढ़ कहा जाता था वहां पर भी अमन अब कायम हो चुका है और हमारी काविशें जो है वो रंग ले आई हैं। जी हाँ बिल्कुल, इस मैच के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे तो एक्साइटमेंट का लेवल ऐसे ही बरकरार रखिएगा, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब अब कुछ आज की हिस्ट्री के हवाले से बात कर लेते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के दिन यानी 21 सितंबर 1784 को अमेरिका में पहले डेली न्यूज़पेपर का इजरा किया गया। पेंसिल्वेनिया पैकेट अमेरिका का पहला कामयाब डेली न्यूज़पेपर था जो 21 सितंबर 1784 को पब्लिश किया गया था। जॉन डनलैप और डेविड सी क्लेपूल इस अखबार के ऑथर थे। ये न्यूज़पेपर अंग्रेजी जबान में था और पीर से लेकर हफ्ते तक शाया किया जाता था। पेंसिल्वेनिया पैकेट से पहले कोई ऐसा अखबार मौजूद ना था जो गुजरे हुए दिन की तमाम खबरें बिलतरतीब शाया करता। यही वजह है कि अखबार तेजी के साथ लोगों में मकबूल हुआ। सन 1800 में जैकरिया पॉलसन ने अखबार को खरीदा और इसका नाम बदलकर पॉलसन अमेरिकन डेली एडवर्टाइजर रख दिया। 40 साल कामयाबी से अखबार चलाने के बाद 1839 में इस अखबार को नॉर्थ अमेरिकन नामी कंपनी ने खरीद लिया और आज तक ये अखबार नॉर्थ अमेरिकन के नाम से शाया किया जाता है। तो जनाब अब सोशल मीडिया वीडियो के हवाले से बात कर लेते हैं। मैडम नूरजहां जो कि सुरों की मलका कहलाती हैं, उनकी सालगिरह तो आपने देखी कि किस तरह मनाई जाती है, लेकिन कराची में नौजवान अपने यार दोस्तों की सालगिरह किस तरह मनाते हैं, आइए आपको एक सोशल मीडिया वायरल पर होने वाली ये वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देख के मुझे अपना यूनिवर्सिटी टाइम याद आ गया कि जब भी मेरी बर्थडे होती थी तो मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो केक में जितना मर्जी तैयार हो जाओ अपनी बर्थडे वाले दिन, सारा केक मेरे फेस के ऊपर लगता था और मुझे हरकत बहुत ही बुरी लगती और है। सब कहते हैं जी बर्थडे गर्ल है। ये स्पेशल पता नहीं क्या तरीके की, आपने बर्थडे पे किसी शख्स को बजाय खूबसूरत दिखाने के आपको मजीद तंग करना शुरू कर देते हैं। मुझे इतनी जज्बाती बर्थडे सेलिब्रेट करने का कभी कोई शौक नहीं है, होनी चाहिए बर्थडे पे खुशी, लेकिन बर्थडे गुजरी और हमने इनके साथ ऐसी कोई हरकत नहीं। बिल्कुल, आज एक बड़ी
और अहम बात यह भी है कि आज एक बर्थडे जो मनाई जा रही है वो मैडम नूरजहां की है, जिन्हें मैरिटी क्वीन भी कहा जाता है। 91 सालगिरह जो है वो आज उनकी मनाई जा रही है, तो इस हवाले से भी आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब अब आपको बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस बात पर अफसोस ही किया है कि सिवाय चंद एक दोस्त ममालिक के किसी ने भी पाकिस्तान की इन कुर्बानियों का खुले दिल से एतराफ नहीं किया। और यही नहीं, सोने पर सुहागा, पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की मुआवनत के इल्जाम लगते रहे। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें होने के बावजूद भी हर्जासराई की जाती रही, और अब तो हद ही हो गई जब स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में फ्री बलूचिस्तान की मुहिम शुरू की गई। और ये मुहिम इन तंजीमों ने शुरू की जिन पर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के बायस पाबंदी आयद कर रखी है। बिल्कुल जनाब, इस हवाले से वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच ने कहा है कि भारतीय फंडिंग से की जाने वाली इस मुहिम की कोई अहमियत नहीं। किराए के लोगों से पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें कराई जाने लगी, और ये सब कुछ हो रहा है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में, जहां इसी महीने फ्री बलूचिस्तान के नाम से मुनज्जम प्रोपेगेंडा किया गया। इस तशहीरी मुहिम के दौरान जगह जगह होर्डिंग्स और टैक्सी सर्विसेज पर बैनर्स लगाए गए। मखसूस टोले के इस पाकिस्तान मुखालिफ मुनज्जम प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तान ने तो शदीद रद्द अमल दिया, और पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने जिनेवा में स्विस मनसब को एक एहतजाजी मरासला जारी किया, जिसमें मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया और मौकफ अख्तियार किया गया कि आजाद बलूचिस्तान का नारा पाकिस्तानी सालमियत पर हमला है। लेकिन इस सारे मामले पर स्विस हुकाम की खामोशी एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि स्विस हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्विट्जरलैंड की जानिब से अपनी जमीन को पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने देना और इस शरंगेज मुहिम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई न करना समझ से बालातर है। सवाल ये है कि क्या इस मौके पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली इजलास में स्विस हुकाम से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का मामला उठाएंगे या नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आलमी बरादरी ने इन कुर्बानियों के एतराफ के बजाय एक तरफ तो पाकिस्तान से हमेशा रूमोर का मुतालबा किया, तो दूसरी जानब आलमी ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस रही है कि जिससे पाकिस्तान के हौसला में इस पर काम कर रही है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो स्विट्जरलैंड में मुहिम शुरू की गई है, BLA और BRA की पुश पनाही कौन कर रहा है? नॉट ओनली फ्रॉम सोल्जर्स राइट टू ऑफिसर्स रैंक, इतने ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान आर्मी में जो बलूचिस्तान के भी हैं, तो उसके वजह से ये अब थोड़ा डेस्परेट हो गए हैं। और वो डेस्परेशन जो था, आपने देखा वो कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया था, उसका जो रॉक एजेंट था उसका नेटवर्क यही था कि बलोच इंसर्जेंट जो हैं, डिसिडेंट जो हैं, बलोच में दहशतगर्दी फैलाया जाए और ये करा जाए। मैं समझता हूँ कि क्योंकि आउट ऑफ सिंक हो गए हैं ये, क्योंकि वो कुलभूषण यादव पकड़ा गया, यहाँ पर जो इंसरक्शन थी वो दब गई, उससे डेस्परेशन के बाद अब ये इंटरनेशनलाइज करने की कॉन्फ्रेंस करके ये स्विट्जरलैंड में, जहाँ ये चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन ये वो, वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के काफ़ी महकमे होते हैं, वहाँ पर काफ़ी फॉरेन डिप्लोमेट्स होती है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस दूसरी यूनाइटेड नेशंस जो होती है छोटी यूनाइटेड नेशंस, इनफैक्ट वो जिनीवा में बेस्ड है, तो आपने देखा ये कम। बट इस पर को मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देखता, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर स्विट्जरलैंड इसको ज़्यादा इसको टॉलरेट नहीं करेगा। अब मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में इनको काफी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरी अपनी ये बिल्कुल अलग करे ऐसी हो कि स्विट्जरलैंड ज्यादा टॉलरेट ना करे, क्योंकि हमने तो नहीं होने देगा पाकिस्तान के खिलाफ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं इकराम सहगल साहब, और स्विट्जरलैंड को भी अब एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि हमने तो दफ्तर खारजा भी बुलाया उनके सफीर को और एहतजाज भी किया है, साथ साथ अब्दुल कादिर बलोच ने बहुत ज्यादा स्ट्रांग अपना मौकफ भी रखा है। ये तमाम सूरत हाल तो एक तरफ है, लेकिन स्विस हुकाम की खामोशी फिर भी बरकरार है और बहुत से सवाल पैदा कर रही है। आप क्या समझते हैं कि बगैर किसी रियासती सरपरस्ती के ये मुमकिन है? देखिए ये कब हुआ है? ये 3-4 दिन पहले हुआ है। स्विट्जरलैंड कोई, जैसे मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, मैं कोई अभी 22 साल हो गए मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। देखिए बात ये है कि जब ये बात ये है कि स्विस जो इंटरनेशनली नोन है वो है कि रेटिसेंट लोग हैं, साइलेंट पीपल हैं, जो भी कार्रवाई करेंगे फ्लैम्बॉयंट नहीं करेंगे, और उनकी
मैं बाय द वे उनकी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो स्विट्जरलैंड का भी है. तो मैं नहीं समझता कि बाई एनी बोलते ना स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये इसको छोड़ेंगे. मैं समझता हूँ कार्रवाई उन्हें ऑलरेडी शुरू कर दी होगी और पाकिस्तान के सफीर ने फारूक आमिर साहब ने काफ़ी जोर शोर से ये प्रोटेस्ट किया है और मैं समझता हूँ कि ये आप इसके रिजल्ट देखेंगे. अच्छा इकराम साहब ये बताएगा कि ये तंजीमें के पाकिस्तान में भी दहशत गर्दी की वजह से बैन की गई हैं, लेकिन मगरिब एक तरफ तो पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के इल्जाम लगाता रहा है, फिर इसी तंजीमों के बारे में खामोशी भी रखता है, तो क्या समझते हैं आप वेस्ट की कॉल ऑफ एयर में तजाद नहीं है? देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम जो है रॉन्ग फुटेड हैं मेनी चीजेज बिकॉज दहशत गर्दी. हमें ये जितनी भी है ये आपकी एक सॉर्ट ऑफ बोलते हैं ना हेरेसी लेगेसी है फ्रॉम सोवियट ऑफ वन वॉर 80s की. उसके बाद यू नो कश्मीर में शुरू हो गया इंसरक्शन, उसके बाद हमारे भी कुछ गलतियाँ थी 90s की भी हमारी गलतियाँ जो थी वो हमें आके अब बोलते हैं ना दे आर कमिंग टू होम टू रूस्ट. अब ये हुआ है कि जियोपॉलिटिकली जो जियोपॉलिटिकल अलायंसेस थे वो चेंज हो गए. पहले रूस और इंडिया होता था साथ और अमेरिका हमें कभी सपोर्ट करता था कभी नहीं सपोर्ट करता जी. अभी इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना अमेरिका जो है इंडिया के साथ एक मुआहदा कर लिया और इसराइल के साथ नेक्सस कर लिया, तो नेचुरली उसके अंदर पाकिस्तान को जो है वो बुरा भला बोलते हैं. डबल स्टैंडर्ड्स हैं क्योंकि वही दहशतगर्द जो देखते फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में स्टेटिस्टिक देखें तो 17% उनकी दहशतगर्दी है वो इस्लामिक रिलेटेड है, 83% दहशतगर्दी और है उसके अंदर. ज्यादातर दहशतगर्दी जो है वो 60% वो नेशनलाइट्स की है, लेकिन आपके उसके बारे में बात ही नहीं कोई करता. दूसरी बात जो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है कश्मीर के अंदर जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करता. एक तो हमारी अपनी फेलियर है कि हमने प्रोजेक्ट नहीं किया अपने इमेज को, हमने अपनी नैरेटिव को प्रोजेक्ट नहीं किया. लेकिन उसके अलावा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं इकराम सहगल साहब आप कि डबल स्टैंडर्ड है और दुनिया के मालिक में यही देखा जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाती हैं. अगर हम कश्मीर के मौकफ की बात करें तो हमारे पास अमेरिका से प्रेशर आता है डूमोर का, लेकिन अगर जेनेवा में इस तरह की मुहिम चलाई जाए तो फिर सुई सुकाम जो है वो खामोश रहते हैं. अच्छा क्योंकि BLA और BRS से इसको रिलेट किया जा रहा है तो फिर किस तरीके से इंटरपोल से इनकी गिरफ्तारी मुमकिन है? देखिए अफसोस यही कहना पड़ता है कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी एक पॉलिसी बड़ा क्लियर नहीं होता. पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेज समथिंग एल्स, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेज समथिंग एल्स. और ज़्यादातर इनकी होती है कि जो हमारी इस्टेब्लिश देखें 3-4 साल पहले आप दरब अजब से पहले क्या हालत थी पाकिस्तान की, दहशतगर्दी क्या हालत थी नॉर्थ वजिस्तान में. अगर उस ज़माने में हक्कानी नेटवर्क जो थी अगर जो IS डिक्लेयर कर देती, इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करती, आप क्या करते? उनके पास टेरिटरी थी और पूरी उनके पास कंप्लीट एक इंफ्रास्ट्रक्चर था. लेकिन आपने कार्रवाई की, आपके सोल्जर शहीद हुए, आपने ब्लड सेक्रीफाइस दिया, आपने उनको पसपा कर दिया और नेचुरली अक्रॉस द बॉर्डर चले गए. नाउ क्या हुआ, उसका फ़ायदा क्या हुआ? वही तालिबान जो हमारे साथ हमें यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, हमें अटैक कर रहे हैं. आखिर जो हमारे 6,000 सोल्जर शहीद हुए हैं या 25-30,000 लोग इंजर्ड हुए हैं उनके पर किसी ने फूल तो नहीं फेंका, और जो 1,00,000 से ज़्यादा कैजुअलिटीज आपकी सिविलियन हुई हैं तो नेचुरली वो तो कोई नहीं बात करता. ये प्रॉब्लम है डुअल स्टैंडर्ड्स का. बट डुअल स्टैंडर्ड से बड़ा ये कि अपना जो है जब आसिफ ख्वाजा आसिफ ओन हाउस इन ऑर्डर बात करते हैं तो मैं समझता हूँ अपनी पार्टी का हाउस इन ऑर्डर कर ले जी. बहुत शुक्रिया मौका क्लियर करने. इकराम साहब आप हमारे साथ थे और इस सब पर अपने मौके से आप हमें आगाह कर रहे थे और डेफिनेटली ये तमाम मामला जो है वो मामला इसको इतना इजी भी नहीं लेना चाहिए कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को. इस मामले को बाकायदा तौर पर अक़वामे मुत्तहिदा में उठाना भी चाहिए और हुकूमत की जानिब से भी हमारा एक बोल्ड स्टांस सामने आना चाहिए. बिल्कुल इसी हवाले से जो है जो भी अपडेट्स आती रहेंगी कि सुई सुकाम का अब क्या कहना है आपको मजीद आगाह करते रहेंगे. लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज. और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए एड्स के हवाले से. जैसे कि हमने शो के आगाज में भी आपको बताया था तो तकरीबन 1,30,000 के करीब अफराद जो है वो इस वक्त इस मूजी मर्ज का शिकार है और पिछले 18 माह में ये तादाद तेजी से बढ़ रही है. सैकड़ों मरीजों में HIV वायरस की तस्दीक हुई है.
पाकिस्तान में तेजी से फैलते एड्स की हालिया मिसाल पंजाब का शहर चनियोट है, जहां मुसलसल एड्स के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक एड्स के 8 मरीज दम तोड़ चुके हैं और पिछले ही हफ्ते मजीद 10 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद यहां एड्स के मरीजों की कुल तादाद 48 तक जा पहुंची है। सिंध में 2015 तक एड्स के 45,000 केसेज रिपोर्ट हुए। पिछले साल सिर्फ लाड़काना के चांडका अस्पताल के एड्स के 1300 से ज्यादा केसेज लाए गए, जिनमें से 50 के करीब मरीज ऐसे थे जो डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से इस मर्ज का शिकार हुए। चांडका मेडिकल अस्पताल में डायलिसिस के दौरान इन मरीजों में HIV का इंकशाफ हुआ, लेकिन हुकूमत ने मुतासरीन के लिए जेर तलाफी का ऐलान किया, न ही किसी जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। अलबत्ता एक इंक्वायरी कमेटी जरूर बनी थी, जो अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी है। खैबर पख्तूनख्वा में एड्स से मुतासर मरीजों की तादाद 12,000 के करीब है, यानी पूरे मुल्क में ही एड्स के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस का इस्तेमाल, अताई डॉक्टर से गैर कानूनी ब्लड बैंक्स और नाकिस ब्लड किट्स हैं। अक्वामे मुत्तहदा का इदारा UN एड्स के हवाले से पहले ही खबरदार कर चुका है कि अगर पाकिस्तान में एड्स का फैलाव ना रुका गया तो 3 से 5 साल में यहां अफ्रीका जैसी सूरतेहाल हो सकती है। पाकिस्तान में एड्स जैसे मोहलिक मर्ज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो गया है और हुकाम के लिए सोचने का मुकाम है, और यूं महसूस होता है कि एड्स की रोकथाम के लिए होने वाले इकदाम नाकाफी हैं। बिल्कुल जनाब, मुल्क में इस वक्त अगर एड्स की हम बात करें तो बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं, बहुत से NGO जो है वो इसके खिलाफ काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इसकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। वजह क्या है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे इस वक्त इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर मौजूद है सदर पाकिस्तान एड्स सोसाइटी डॉक्टर सलीम आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू शो। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि बात हो रही है आज एड्स के हवाले से, तो एड्स हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है, बहुत से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब की बात करें तो चिनियोट में जो है वो अभी सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हुए एड्स के हवाले से ही। क्या इकदाम किए जा रहे हैं एड्स के रोकथाम के लिए और किस तरह से जो है वो ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो रही है? देखिए, बज़ाहिर तो गवर्नमेंट अपनी सतह पर और सिविल सोसाइटी अपनी सतह पर बड़े बड़े दावे करते हैं HIV/AIDS के रोकथाम के सिलसिले में, लेकिन अमली तौर के ऊपर दर्द बढ़ता गया, जूं जूं दवा की के मसदाक ये मर्ज बढ़ता ही जा रहा है, और ये सिर्फ चिनियोट या लाड़काना तक महदूद नहीं है, पूरा मुल्क इसकी लपेट में आ चुका है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो नौजवान नस्ल है वो इसकी ज़्यादा शिकार हो रही है, चाहे उसमें जिनसी बेराहरवी हो या सिरिंजेस के ज़रिए मनुष्यात का इस्तेमाल हो, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क खुसूसन खलीजी ममालिक का सफ़र करते हैं, और एक ताज़ा तज़िये के मुताबिक 9 लाख अफराद हर साल पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, और जिनकी तादाद 1,000 में 3.3 अफराद बनती है, और ये वो लोग हैं जिनकी अक्सरियत गैर कानूनी तरीके से बाहर जाती है। वो लोग HIV/AIDS के बारे में या सेफ सेक्स के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते, वो दूसरे मुल्क में जाते हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं, और वहाँ पर वो फिर जिनसी बेराहरवी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे मुल्क की जेलें HIV/AIDS में मुब्तला अफराद से भरी पड़ी हैं, उन जेलों में उतनी आज़ादी से मनुष्या HIV/AIDS के रोकथाम के बारे में काम नहीं किया जा सकता, और उन्हें वो चीज़ें फराहम नहीं की जा सकती जिनसे HIV/AIDS के जर्सुमे को रोका जा सके। ठीक है, अच्छा बिल्कुल, आप एड्स के हवाले से ओवरऑल बात कर रहे हैं, स्टैट्स भी आपने दिए कि क्या वजह बनती है। ओवरऑल अगर बात की जाए नेगलिजेंस की डॉक्टर्स के हवाले से या अस्पताल इंतजामिया के हवाले से, तो डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं ये भी होता है कि इंतजामिया की भी लापरवाही होती है। हम देखते हैं कि इस्तेमाल शुदा स्ट्रेंज का इस्तेमाल कर दिया जाता है, यूज चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं, पेशेंट्स के ऊपर स्टराइल नहीं होती हैं, तो इस हवाले से क्या रोकथाम की जा रही है? क्योंकि पहले तो इंतजामिया को अपने आप को सेट करना है, फिर उसके बाद आप पेशेंट को अवेयरनेस देते हैं कि जी अब आपने ये करना है और ये नहीं करना। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, जो डॉक्टर हैं खुसूसन उनका रवैया मनुष्या उसमें HIV/AIDS में मुबतला अफराद के साथ बहुत ही मैं तो उसको जारहाना कहूँगा, गो कि उसे उसके लिए हम इम्तियाजी रवैया का लफ्ज़ इस्तेमाल की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। होता यह है कि अगर कोई शख्स जो HIV/AIDS में मुबतला हो डॉक्टर से ये कह दे कि डॉक्टर साहब मुझे HIV है, तो आप यकीन कीजिए कि वो डॉक्टर ये जानते हुए भी कि HIV/AIDS उड़ के नहीं लग सकता, एक से दूसरे को किसी एक से दूसरे को टच करने से नहीं लग सकता, लेकिन उसके बावजूद
वो उसको कहेगा कि या तो तुम जो दूसरी शिफ्ट होगी डॉक्टर्स की उसमें आना, या अपना स्टेथोस्कोप जो है वो उसके जिस्म सीने से नहीं लगाएगा। तो ये जो इम्तियाजी रवैया है ये लोगों को मजबूर करता है कि या तो वो झूठ बोलें और इस तरह से ये मर्ज मजीद बढ़ता रहे। इन डॉक्टरों में वो डेंटिस्ट हजरात भी शामिल हैं कि जो अपने औजारों को स्टरलाइज नहीं करते और उन उन इस्तेमाल नहीं करते और लोगों के ऊपर वही तमाम जो है वो औजार यूज कर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं जी। अच्छा सलीम साहब ये भी बताएगा कि एक तरफ तो आपने बताया है कि ये वजूहात है, डेफिनेटली हमारी निगलिजेंस अपनी जगह, डॉक्टर्स की निगलिजेंस अपनी जगह, लेकिन एक नया मुद्दा जो अब शुरू हुआ है वो ये कि मंशियात का भी इस्तेमाल, उससे भी एड्स फैल रहा है। खास तौर पर एक मुशाहिदा जो किया गया है उसके मुताबिक तो ये पता चल रहा है कि खवातीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है। वजह क्या समझते हैं, क्यों इतना ज्यादा मंशियात की तरफ हमारी इस जनरेशन का रुझान होने लगा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे मुल्क में जो लोग सबसे ज्यादा HIV एड्स में मुब्तला हैं, इनमें वो बदकिस्मत लोग शामिल हैं जो सिरिंज के जरिए नशा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मंशियात के इस्तेमाल में खवातीन का रुझान क्यों इस तरफ है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में ख्वातीन के साथ जो रवैया रवा रखा जाता है, क्योंकि ये एक मर्दों का मुआशरा है, तो यहाँ जब बच्ची पैदा होती है तो उस वक्त वालदेन के मुंह लटक जाते हैं, बच्ची बड़ी होती है तो उसको खाने में सबसे आखिर में खाना मिलता है, अच्छी अच्छी बोटियाँ जो हैं वो लड़कों को दे दी जाती हैं, लड़कियाँ बड़ी होती हैं पढ़ने लिखने के लिए जाती हैं, शादी ब्याह का सवाल पैदा होता है, उसमें जो खूबरू लड़कियाँ होती हैं बड़े बड़े घरों से मुतालिक लड़कियां होती हैं उनकी शादियां हो जाती हैं, जो लड़कियां कबूल सूरत होती हैं उनको कोई नहीं पूछता। ये तमाम चीज़ें बच्चियों के ऊपर मनफी असरात छोड़ती हैं, उनमें डिप्रेशन पैदा होता है, उनमें ये एहसास पैदा होता है कि मुआशरा हमें कबूल नहीं कर रहा, और इस वजह से वो फिर अपने उस फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए फिर डिप्रेशन में जाते हैं, फिर डिप्रेशन हो जाता है, फिर उसके बाद वो ड्रग्स की तरफ बढ़ जाती हैं और पेरेंट्स की जितनी भी तवज्जो है वो उनकी तरफ नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप तो एक सोसाइटी का एक बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो भी दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा हम देखते हैं कि NGOs हैं, बैन अलावामी तौर पर भी हैं, और दूसरा हमारे अपने इदारे भी कई छोटी छोटी NGOs हैं जो कि अवेयरनेस भी फराम करते हैं और आगाही भी देते हैं कि जी आप इस तरीके से रहें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। लेकिन हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर जब भी कोई HIV का पेशेंट अगर उसकी रजिस्ट्रेशन भी कराई जाए या वो वहां पर जाकर इलाज भी करता है तो सर उसके इलाज में भी तवज्जो नहीं दी जाती। जी हाँ, उसकी वजह एक तो यही है कि लोग चूंकि अभी तक उस खौफ से बाहर नहीं आए जो बदकिस्मती से जिसे मुंसलिक कर दिया गया है HIV/AIDS से। दूसरी बात यह है कि खुद हमारे यहाँ के जो सरकारी इदारे हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जहाँ से एड्स के मरीजों को ARV दी जाती है, उन्होंने एक मेयार मुकर्रर कर रखा है कि जिस मरीज का CD4 सेल काउंट 500 से कम होगा सिर्फ उसको ARV दी जाएगी। जबकि दुनिया भर में ये तरीका है कि अगर कोई शख्स भी HIV में मुब्तला हो, चाहे उसका CD4 सेल काउंट कितना ही क्यों ना हो, उसको दवा फौरन दे दी जाती है। इस वजह से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ARV से महरूम रह जाती है। अच्छा सलीम साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो लोग HIV से मुतासर हैं उनके साथ किस तरह से नार्वस सलूक किया जाता है, लेकिन ये डेफिनेटली एक रवैया हमारा जो सोशल बिहेवियर है वही इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि लोगों के पास इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, वो जानते नहीं है कि मर्ज किस तरह से फैलता है और क्या इसकी एहतियात की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि आप कुछ गाइडेंस ऐसे लोगों को ज़रूर दें, हमारी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव इस हवाले से जो एक बिहेवियर है उसकी फ़रोग के लिए भी कुछ कहें, ताकि हमारे लोगों का यहाँ पर जो एक रवैया है ऐसे लोगों की तरफ HIV के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी तरफ वो बदल सके। जी ज़रूर, देखिए हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो खांसने से या छींकने से या एक दूसरे के बर्तन इस्तेमाल करने से एक मुतासर शख्स से दूसरे सेहतमंद शख्स को में मुंतकिल हो जाती हैं। खुशकिस्मती ये है HIV/AIDS के बारे में कि एक तो इसका जरसुमा बड़ा गैरतमंद होता है, वो हवा में या ऑक्सीजन में चंद सेकंड भी ज़िंदा नहीं रह सकता।
अच्छा, चंद सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। और दूसरी वजह और दूसरी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, एटमॉस्फेयर पूरा ओवरऑल अस्पताल इंतजामिया को देखना चाहिए, तमाम चीजें स्टराइल होनी चाहिए। जी हाँ, हमारे यहाँ तमाम चीजें स्टरलाइज होनी चाहिए और उन मरीजों के साथ शफकत और मोहब्बत से उन्हें मजलूम समझना चाहिए। शफकत और मोहब्बत एक अहम रवैया है। सबसे बेहतरीन किसी भी मर्ज का इलाज जो है वो यही है कि आप उस पेशेंट के साथ आराम से प्यार से बात करें और मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आएं। बहुत शुक्रिया सलीम आजम साहब, आप हम थे और इस सब पर जो है वो आप हमसे बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब, और आज एक बहुत ही अहम दिन है। अहम दिन उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी जो दिलों की धड़कन है वो मैडम नूरजहां होती थी। पाकिस्तान की पहचान मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां आज हमें मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गीत आज भी उनसे करीब करते हैं। 21 सितंबर यानी आज के दिन उनके यौम पैदाइश पर गुड मॉर्निंग आज ने भी दोबारा उनके गीत की सूरत में उनकी यादें ताजा की है। आइए आपको फ्लैश बैक में लेके चलते हैं। तो वो अपना मेकअप भी खुद करती थी, तो ये ओवरऑल हर लिहाज से परफेक्ट हमारा एक सितारा थी, जिनकी अगर बात करें एक्टिंग की तो वो भी कमाल थी, जिनके गाने कमाल थे वो कमाल उनके गानों ने किया था, उनके गीतों ने किया था कि 65 की जंग में वो हमारे नौजवानों को हौसला बढ़ाने के लिए उनके उन तमाम गीतों ने एक फ्यूल का किरदार अदा किया था। तो जनाब आज के दिन हम उन्हें भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी के हवाले से, जो न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, जिसमें अफगानिस्तान के मामले पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म कहते हैं कि सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार के बारे में मजबूत रवैये का इजहार किया। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क में नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने भी वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी से मुलाकात की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप एजुकेशन के लिए एक चैंपियन का किरदार अदा करेंगे। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के इजलास के सिलसिले में दुनिया भर की सियासी क़यादत मौजूद है। जनरल असेंबली के इजलास के साथ साथ साइड लाइन पर कायदीन की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी भी मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात कर रहे हैं। गुज़िश्ता शब उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। वजीर आजम शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ने इस मुलाकात के हवाले से पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के दौराने में तकरीर करते हुए बताया कि सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार के बारे में मजबूत रवैये का इजहार किया है। वजीर आजम से अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के वफद ने भी मुलाकात की, जिसमें वजीर आजम ने वफद को बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत का कोई फौजी और सियासी किरदार नहीं देखता। अगर कोई मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हक्कानी या इस जैसा कोई नेटवर्क मौजूद नहीं। वजीर आजम ने वाजह किया कि पाक अमरीका ताल्लुकात में कोई रुकावट नहीं। न्यूयॉर्क में ही वजीर आजम पाकिस्तान ने नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई से भी मुलाकात की। इस मौके पर मलाला ने कहा कि वो चाहती हैं कि आइंदा इलेक्शन में नून लीग तालीम को अपना मंशूर बनाए। पाकिस्तान में खवातीन की तालीम के बुरे हालात हैं, शहरों में तालीमी इदारे हैं लेकिन पसमानदा इलाकों में तालीम आम नहीं। इससे कबल गुज़िश्ता रोज वजीर आजम शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ने अमरीकी नायब सदर माइक पेंस से भी एक अहम मुलाकात की थी, जिसमें वजीर आजम ने कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आलमी इत्तेहाद का हिस्सा है। वजीर आजम से ईरानी सदर हसन रूहानी, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और उर्दन के शाह अब्दुल्ला की भी अहम मुलाकातें हुई। और इस वक्त आपको बताएं कि न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी जारी है और दुनिया भर से आने वाले सरबराहान मुमलिकत इजलास की साइड लाइन पर एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ने भी मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की है और आज रात वो फाइनली अपना पहला खिताब भी जनरल असेंबली में करने वाले हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है सीनियर तज़ज़ियाकार आबिदा हुसैन साहिबा। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द शो। अच्छा आबिदा साहिबा, आज एक बड़ा खिताब करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और न्यूयॉर्क में कई आलमी रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, OIC का एजेंडा भी था, साथ साथ कश्मीर, रोहिंग्या मुस्लिम और पाक अमरीका ताल्लुकात, लेकिन आज जो वो खिताब करने जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा इशू उनका क्या होगा, किस चीज़ पर वो दुनिया को कन्विंस करने वाले हैं आज? शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब की तुर्की के सदर, श्रीलंका के सदर और नायब सदर यूनाइटेड स्टेट्स माइकल पेंस के साथ मुलाकातें हुई हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की साइडलाइंस पे,
अब वो खिताब करने जा रहे हैं जनरल असेंबली को, और सबसे अहम बात ये है कि वो एहसास दिलवाएंगे बैनुल अक्वामी कम्युनिटी को कि पाकिस्तान ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई वो बहुत हद तक कामयाबी से हमकिनार हुई है। अब शाज़ो नादिरी कोई पाकिस्तान में दहशत गर्दी का वकुआ होता है और दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो कुली तौर पे ख़त्म कर दी गई हैं, तो एक तो वो सबसे अहम बात ये करेंगे। फिर कश्मीर का वो मसला उठाएंगे और अक्वामे मुत्तहिदा के नुमाइंदगान को वो याद दिलवाएंगे कि सन 48 की करारदादें जो हैं वो अक्वामे मुत्तहिदा का अनफिनिश्ड एजेंडा है और अक्वामे मुत्तहिदा का फ़र्ज़ बनता है कि वो इन किरारदादों पे अमल करवाएं। जी ठीक। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो रोहिंगा मुसलमानों पे मजालिम ढाए जा रहे हैं म्यांमार में जी। उसका भी जिक्र करेंगे और अपील करेंगे कि बर्मा म्यांमार की हकूमत जो है वो रोहिंगा मुसलमानों को अपने घरों में आबाद करे और उनको शहरियत का माकूल दर्जा। अच्छा, एक तरफ तो ये तरूज़ हैं जो कि आज हाईलाइट किए जाएंगे, दूसरी जानी ट्रंप की जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी थी उसके हवाले से भी हमने देखा कि नेशनल लेवल पर तो पाकिस्तान ने बहुत से जवाब दिए हैं, सफीरों की कॉन्फ्रेंसेस भी बुलाई हैं, लेकिन अब मौका है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वजीर आजम पैगाम दे ट्रंप को। आप क्या समझती है कि उनका पैगाम क्या होना चाहिए आज ट्रंप को? देखिए जी डोनाल्ड ट्रंप को वो जब इस बात का जिक्र करेंगे कि किस तरह से हमने दहशत गर्दों से निपटा है तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को जवाब मिल जाएगा। अमेरिका बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान में नाकाम हुआ है, लेकिन वो अपनी नाकामी का एतराफ़ करने के बजाय मलबा हमारी तरफ धकेलते हैं। साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए क्याम अमन अफगानिस्तान में बहुत जी बिल्कुल सही कह रही है, अमेरिका अफगानिस्तान में नया और इसीलिए तो फिर ट्रंप ने डू मोर का हमसे मजीद मुतालबा कर दिया। अच्छा, एक तरफ जहां पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर करने हैं, खारजा पॉलिसी बेहतर करनी है, तमाम मामला बेहतर करने हैं, वहीं कश्मीर का मौकफ भी अपनी तरफ वैसे का वैसे ही खड़ा है, उसका कोई हल नजर नहीं आता। आप कैसे देख रही हैं कि इस दफा शाहिद खाकान अब्बासी साहब जहाँ अपने मुल्क के अंदरूनी मसाइल और मौकफ से आगाह कर रहे हैं वहाँ कश्मीर का मौकफ उठा सकेंगे स्ट्रांगली? नई बात जो शाहिद खाकान अब्बासी करेंगे वो ये होगी कि एक साल गुजरने के बावजूद कश्मीरियों पे हिंदुस्तान की फ़ौज के जुल्म कम नहीं हुए और अक्वामे मुत्तहिदा को वो याद दिलाएंगे कि सन 48 की करारदादें जो हैं उन पे वो उनका अमल कराना अक्वामे मुत्तहिदा का फरीज़ा बनता है। ये बताएगा रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से अगर हम बात करें तो मुसलमान ममालिक के रहनुमाओं को इस केस में किस तरह से एक्शन लेना चाहिए और अपनी रिएक्शन जो है वो इस तमाम तमाम मामले पर किस तरह से देना चाहिए, उसमें पाकिस्तान को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? पाकिस्तान ने रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से कौमी असम्बली पाकिस्तान में भी किरारदाद पेश की, मुजहमत की और फिर OIC के इजलास में भी। अब वो अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनका फिर जिक्र करेंगे और मुतालबा करेंगे म्यांमार की हुकूमत से कि रोहिंग्या मुसलमानों की नकल मकानी को रोकने के लिए वो रोहिंग्या मुसलमानों को अपने घरों में अहसन तरीके से ठीक है। रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से भी मामला उठाएंगे, एक बड़ा खिताब करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, और देखना यह कि आज उनकी स्पीच में आज उनके एजेंडे में क्या क्या चीज़ें शामिल है, तो डेफिनेटली जैसे ही उनका इजलास होगा तो उसके बाद से मजीद पोजिशन जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसी की मजीद क्लियर हो जाएगी। और देखने में तो यही आया कि बहुत ज़्यादा बोल्ड स्पीच करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी, बहुत ज़्यादा बोल्डली रिएक्ट करते हैं, और आज देखना यह है कि किस तरीके से उनकी स्पीच होती है और उनकी जो स्पीच होगी वो आगे पाकिस्तान की पॉलिसी को सेट करेगी जो कि अक़वामे मुत्तहिदा में आज वो पेश करने। बिल्कुल जनाब, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आज पहला खिताब है जिसके लिए मेरा ख्याल है तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं वो आपको इसकी कवरेज भी दिखाएंगे, लेकिन आज न्यूज की कवरेज आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स और कुछ नई स्टोरीज के साथ। चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।